and welcome back to my channel. Thank you so much for watching. My name is Dr. Ritu Dama. Welcome you all. आज की ये वीडियो है फॉर एग्जाम नंबर 74 के फुटनोट के बारे में. फर्स्ट टू फोर्थ फुटनोट मैं प्रीवियस वीडियो में करा चुकी हूँ. आज हम बात करेंगे फॉर एग्जाम नंबर 74 के फिफ्थ फुटनोट की, जो कि थोड़ा सा बड़ा है और बहुत बहुत ज्यादा इम्पोर्टेंट है, इसलिए एक सेपरेट वीडियो इसकी बना रही हूँ. इस पे हम बात करेंगे ब्रूसो मेथड की, क्योंकि ये जो फुटनोट है वो एक्सप्रेस करता है हॉस्टाइल असॉल्ट्स ऑफ डिस्ट्रक्टिव फोर्सेस को, और डिस्ट्रक्टिव फोर्सेस या हॉस्टाइल असॉल्ट्स क्या क्या हो सकते हैं वो इस फुटनोट पे बताए गए हैं. आई रियली होप दैट यू एंजॉय दिस वीडियो. इफ यू लाइक इट प्लीज डू हिट द लाइक बटन एंड सब्सक्राइब माई चैनल इफ यू हैवंट सब्सक्राइब्ड इट टिल येट. डू प्रेस द बेल आइकन फॉर फर्दर नोटिफिकेशंस. And without further ado, let's get started. This long footnote was added in 6th edition. ये जो long footnote है, इसे 6th edition में add किया गया था. Among all imaginable methods for the relief of suffering, आप एक suffering को relief करने के लिए जितने भी methods, जितने भी तरीके imagine कर सकते हैं ना, उसमें से no greater allopathic, irrational और inappropriate one can be thought of than this Brucio. इतना एलोपैथिक कोई एलोपैथी नहीं, कोई इतना इनएप्रोप्रिएट, इतना इनसिग्निफिकेंट नहीं हो सकता, कोई इतना अन्यायपूर्वक नहीं हो सकता जितना कि ब्रूसो मेथड है. कॉमा के बाद लिखा है डेबिलिटेटिंग ट्रीटमेंट बाय मींस ऑफ वेनिसेक्शन एंड हंगर डाइट. ब्रूसो मेथड क्या है? डेबिलिटेटिंग, बहुत कष्टदायी, बहुत कमजोर कर देने वाला. कैसे कमजोर किया जाता है इंडिविजुअल को? बाय हंगर डाइट, भूखे रखकर. By venesection, उनका ब्लड क्वांटिटी ऑफ ब्लड बॉडी से निकालकर. उनका बेसिक जो है कंसेप्ट होता है कि इंसान को इतना कमजोर कर दो कि उसको अपना पेन ही फील ना हो और पेनलेस डेथ अचीव हो जाए. विच फॉर मेनी ईयर्स हैज स्प्रेड ओवर ए लार्ज पीरियड, लार्ज पार्ट ऑफ द अर्थ. अर्थ के बहुत लार्ज हिस्से पर यह मेथड फैल गया था. नो इंटेलिजेंट मैन कैन सी इट एनीथिंग इन इट एनीथिंग मेडिकल और मेडिसिनरी हेल्पफुल. कोई भी इंटेलिजेंट व्यक्ति इसमें कुछ भी मेडिसिनल, मेडिकल या आपका मददगार कुछ भी नहीं ढूंढ सकता, जिस भी इंसान में थोड़ा सा इंटेलिजेंस बचा होगा. वेर एज रियल मेडिसिन, जबकि जो रियल दवाइयां होती है, मेडिसिन होती है, इवन इफ चोजन ब्लाइंडली एंड एडमिनिस्टर टू अ पेशेंट मे एट टाइम प्रूव ऑफ बेनिफिट इन अ गिवन केस ऑफ सिकनेस बिकॉज दे मे एक्सीडेंटली हैव बीन होम्योपैथिक टू द केस. जबकि जो रियल मेडिसिन होती है, कई बार अगर ब्लाइंडली भी अगर आप चूज करके दे रहे हैं, एडमिनिस्टर करा रहे हैं पेशेंट को, तो कई बार वो तक इतना अच्छा आराम दे देती है, क्योंकि कई बार वो होम्योपैथी की तरह काम कर जाती है. एटलीस्ट इतना गलत, इतना डेबिलिटेट करने वाला कोई भी मेथड नहीं है, इसलिए कोई इंटेलिजेंट व्यक्ति इसको मेडिकल नहीं कहेगा. बट फ्रॉम मेनी सेक्शन हेल्दी कॉमन सेंस कैन एक्सपेक्ट नथिंग मोर देन सर्टेन लेसनिंग एंड शॉर्टनिंग ऑफ लाइफ. लेकिन जो वेनी सेक्शन है, जैसे कि आपके शरीर में से कुछ क्वांटिटी ऑफ ब्लड निकाल लिया जाता है, हेल्दी कॉमन सेंस कैन एक्सपेक्ट नथिंग मोर देन सर्टेन लेसनिंग एंड शॉर्टनिंग ऑफ लाइफ. हेल्दी जो कॉमन सेंस होगा, जैसे हम आप लोगों का है, उन लोगों को हमेशा पता चलेगा कि कुछ भी नहीं है, ये सिर्फ और सिर्फ व्यक्ति की जो लाइफ स्पैन है उसकी उम्र को घटा रहे हैं. इट इज अ सोरोफुल एंड होली ग्राउंडलेस पॉलिसी दैट मोस्ट एंड इंडीड ऑल डिजीज डिपेंड ऑन लोकल इन्फ्लामेशन. ये अब उनका क्या कंसेप्ट होता था, वो ऐसे सोचते थे कि हर एक डिजीज या हर एक परेशानी किस पर बेस्ड है? इन्फ्लामेशन पर. वो इन्फ्लामेशन की वजह से ही हो रही है. ये एक बहुत ही दुख वाली और कंप्लीटली ग्राउंडलेस, फाउंडेशन ही नहीं है, कोई नीड नहीं है इस बात की. वो ऐसे रॉन्ग आइडियाज लेकर चलते थे, इतना रॉन्ग आइडिया कि जो मोस्ट जो भी डिजीजेस है वो सारे लोकल इन्फ्लामेशन की वजह से होते हैं. इन्फ्लामेशन के बारे में थोड़ा सा बता देती हूँ. इन्फ्लामेशन बेसिकली होता है हमारी बॉडी का डिफेंसिव रिएक्शन. कब होता है? जब हमारी बॉडी में कोई इन्फेक्शन हो, हमारी बॉडी में कोई टॉक्सिन्स हो और हम बीमार पड़े, तो उसको फाइट बैक करने के लिए हमारी बॉडी जो डिफेंसिव मैकेनिज्म जनरेट करती है, उसकी वजह से इन्फ्लेमेशन होता है. इन्फ्लेमेशन कैसे पता चलता है? इसके कुछ साइन होते हैं. एक पर्टिकुलर जगह पर रेडनेस होगी, वहां पर थोड़ी हीट होगी, वहां पर टच करने से दर्द होगा, टेंडरनेस होगी, वो थोड़ी सी स्वेलिंग होगी वहां पर. ये कुछ साइन होते हैं इन्फ्लेमेशन के. तो ये ऐसे मानते थे कि हर एक डिजीज जो है वो इन्फ्लेमेशन, लोकल इन्फ्लेमेशन उसके पीछे का कारण होता है.
जबकि इन्फ्लेमेशन तो बॉडी का डिफेंसिव मैकेनिज्म है। ये समझे बिना इस ग्राउंडलेस फाउंडेशन को मानकर वो क्या करने लगे कि बॉडी से एक्सेस ऑफ ब्लड निकालने लगे कि इन्फ्लेमेशन कैसे कम कर देंगे। जब ब्लड ही शरीर से कम हो जाएगा तो वो रेडनेस नहीं होगी, वो स्वेलिंग नहीं होगी, वो टेंडरनेस नहीं होगी, तो वो ब्लड ही निकाल दिया कर देते थे। Even for true local inflammation, the most certain and quickest cure is found in medicines capable of taking away dynamically the arterial irritation upon which the inflammation is based, and this without the least loss of fluid and strength. Now, what a beautiful line has been written, Dr. Samuel Hahnemann ने कितनी अच्छी line लिखी है। So I'm just giving you an example. ये example है कि मान लीजिए मेरे हाथ में इस जगह पर एक local inflammation है, true inflammation है, जहां पर रेडनेस है, जहां स्वेलिंग है, जहां थोड़ा पेन है, जहां टच करने से भी दर्द हो रहा है, ये सब चीजें, यहाँ पर हीट है, ये हिस्सा थोड़ा गर्म है, ये इन्फ्लेमेशन के सारे साइन दिख रहे हैं, ट्रू इन्फ्लेमेशन है। तो मोस्ट सर्टेन और क्विकेस्ट क्योर इस पर्टिकुलर पार्ट को हम कैसे प्रोवाइड कर सकते हैं बाय मेडिसिन, कैसे होगा? केपेबल ऑफ टेकिंग अवे डायनामिकली द आर्टेरियल इरिटेशन। डायनामिकली इस आर्टेरियल इरिटेशन को ठीक किया जा सकता है अपॉन विच द इन्फ्लेमेशन इज बेस्ड, and this without the least loss of fluid and strength। तो आप dynamically से ठीक कर सकते हैं, बिना body, बिना शरीर में से strength निकाले, बिना शरीर में पानी की कमी किए, fluids की कमी किए, blood की कमी किए। local venesections जो एक particular जगह से shed किया जाता है, blood निकाला जाता है, that is local venesection, even from the affected part, एक affected part से जब local venesection किया जाता है, only tend to increase renewed inflammation of these parts। यहाँ पर फिर वापस इन्फ्लेमेशन हो जाएगी, क्यों? क्योंकि अगर हम एक जगह से ब्लड निकाल रहे हैं तो वहां पर अगेन सुई चुभोई जा रही है, वहां इन्फेक्शन के चांसेस है। अगर सेप्टिक कंडीशंस में नहीं किया, एसेप्टिक कंडीशंस में नहीं किया जा रहा है, तो वहां फिर से रेडनेस, वहां फिर स्वेलिंग, ये सब चीजें दिखाई देंगी, तो बार बार इन्फ्लेमेशन होती है। एंड प्रिसाइसली सो इट इज जनरली इनअप्रोप्रिएट ए मर्डरस टू टेक अवे मेनी पाउंड्स ऑफ ब्लड फ्रॉम द वेन्स एंड इन्फ्लेमेटरी फीवर्स। तो ये एक तरीके से बिल्कुल इनअप्रोप्रिएट है, गलत है, मर्डरस है, किसी की हत्या करने के बराबर है कि आप किसी की इन्फ्लेमेटरी, सूजी हुई, इन्फ्लेमेशन जहां चल रहा है, ऐसी वेन्स में से खूब सारा ब्लड निकाल रहे हैं। When a few appropriate medicines would dispel this irritated arterial state driving the hitherto quiet blood together with the disease in few hours without the least loss of fluid and strength। So, जबकि दवाइयां है हमारे पास ऐसी appropriate जो इस arterial inflammation, इस arterial irritation को खत्म करके बिना किसी कॉम्प्रोमाइज के, बिना व्यक्ति की स्ट्रेंथ को खत्म किए, बिना उनकी बॉडी में से फ्लूइड घटाए, एक अच्छा क्योर प्रोवाइड कर सकते हैं। सच ग्रेट लॉस ऑफ ब्लड इज एविडेंटली इररिप्लेसेबल फॉर द रिमेनिंग कॉन्टिन्यूस ऑफ लाइफ। पूरी जिंदगी लग जाती है, जितना भी उन्होंने ब्लड निकाला है वो रिप्लेस बैक नहीं हो पाता, उतना वापस बॉडी जनरेट नहीं कर पाती। अब जो बॉडी से ब्लड निकल चुका है उसे बची हुई पूरी लाइफ में वो रिप्लेस नहीं हो सकता। जनरली हम जानते हैं कि जब भी हमारे शरीर से ब्लड निकलता है तो हमारी बोन मैरो उस ब्लड को और भी बनाती है। हमारी जो सिस्टम है, हम जैसे ब्लड डोनेट करते हैं तो हम कहते हैं ब्लड डोनेट करना बहुत अच्छी बात होती है, क्योंकि हमारी बॉडी में न्यू रेड सेल्स बनते हैं, न्यू ब्लड सेल्स क्रिएट होते हैं। हम जानते हैं जब भी हम ब्लड डोनेट करते हैं तो हमारी बॉडी फ्रेश जो है ब्लड बनाती है, पर यहाँ पर ये इसलिए नहीं हो पाता क्योंकि बॉडी इतनी कमजोर हो जाती है, इतनी वीक हो जाती है कि जो ब्लड मेकिंग क्रिएटर्स है, जो ब्लड बना रहे हैं, वो भी ब्लड बना नहीं पाते उस स्पीड पर। और अगर मान लीजिए बना भी लिया तो उसकी क्वांटिटी अगर अच्छी है भी, पर क्वालिटी उतनी अच्छी नहीं हो पाती है जैसे पहले की थी। एंड हाउ इम्पॉसिबल इज इट फॉर दिस इमेजिन प्लीथोरा टू हैव बीन प्रोड्यूस इन सच रिमार्केबल रैपिडिटी एंड सो टू ड्रेन इट ऑफ बाय फ्रीक्वेंट वेनिसेक्शन व्हेन येट एन आवर बिफोर द पल्स ऑफ दिस हीटेड पेशेंट वॉज सो क्वाइट। अब कितना ही पॉसिबल हो सकता है कि आप इस प्लीथोरा को, कलेक्टेड ब्लड को, कंजेशन को बार बार निकाल रहे हैं, बार बार निकाल रहे हैं, तो कितनी ही स्पीड पर आपकी बॉडी बार बार ब्लड बना पाएगी? सो नो मैन, नो सिक पर्सन हैव एवर टू मच ब्लड और टू मच स्ट्रेंथ। किसी भी व्यक्ति में, किसी भी बीमार व्यक्ति में इतनी स्ट्रेंथ नहीं होती, इतना खून नहीं होता। ऑन द कॉन्ट्ररी एवरी सिक मैन लैक्स स्ट्रेंथ। जबकि एक बीमार व्यक्ति में तो और कमजोरी होती है, उनमें तो और ताकत कम होती है। अदरवाइज इज वाइटल एनर्जी वुड हैव प्रिवेंटेड द डेवलपमेंट ऑफ डिजीज। अगर वो बीमार व्यक्ति में तो और कम स्ट्रेंथ है, अगर स्ट्रेंथ होती तो वो बीमारी को नहीं रोक लेता अपने आप को होने से, तो वो बीमारी को प्रिवेंट कर लेता। पर यहाँ पर तो कंसेप्ट ही अलग है उन लोगों का। नाउ व्हाट ही सेज, दस इट इज इरेशनल एंड क्रूअल
able to add to this weakened patient a greater, indeed the most serious source of debility that can be imagined. तो इसलिए ये बहुत ज्यादा irrational अन्याय है, बहुत cruel है, बहुत दरिंदगी है, murderous malpractice है, irrational, cruel है, groundless foundation है इसका, absurd theory है, घृणा करने वाली theory है कि आप किसी भी disease को dynamically ठीक करने की जगह इस तरह से ठीक कर रहे हैं. डायनामिक पोटेंसी से आप बीमारियों को ठीक कर सकते हैं. इस फुटनोट नंबर 5 ऑफ फॉर्जम नंबर 74. आई रियली होप दैट यू लाइक दिस वीडियो एंड आर्टिफिशियल क्रॉनिक डिजीज इज नाउ कंप्लीट. नेक्स्ट वीडियो में हम ड्रग इंड्यूस क्रॉनिक डिजीज, आर्टिफिशियल क्रॉनिक डिजीज, इयाट्रोजेनिक के बारे में और पढ़ेंगे और फिर एलोपैथी और होम्योपैथी के कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट्स पढ़ेंगे. सो आई रियली होप दैट यू लाइक दिस वीडियो. प्लीज कॉमेंट बिलो हाउ मच यू लाइक दिस वीडियो, प्रेस द लाइक बटन एंड God bless you. Bye-bye.